चलिए, तो पहली मेथड है ये किसकी, रिजर्वायर राउटिंग की, ठीक है, हाइड्रोलॉजिक रिजर्वायर राउटिंग, हेडिंग डाल लेंगे आप हाइड्रोलॉजिक रिजर्वायर राउटिंग बाय मॉडिफाइड पुल्स मेथड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होता है, पहले हमको एक बेसिक इक्वेशन मिली थी, क्या थी वो कुछ ऐसी थी, आई वन प्लस आई टू डिवाइड बाय टू इंटू डेल्टी माइनस, और डेल्टी कैसा होगा, बहुत छोटा टाइम होगा, ठीक है, डेल्टी कैसा होगा, बहुत छोटा टाइम होगा, ठीक है, ताकि क्या रहे, जो हमारा हाइड्रोग्राफ बने, वो मैंने बताया था, वो लीनियर रहे आई वन और आई टू की वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ एवरेज कर रहे हैं ना दोनों का, ठीक है। माइनस क्या था, वो माइनस था क्यू वन प्लस क्यू टू डिवाइड बाय टू इंटू डेल्टी इज इक्वल्स टू एस टू माइनस एस वन चेंज इन स्टोरेज, ठीक है। ये कोई एक बेसिक इक्वेशन मिली थी अभी हमने देखी है ना, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुल्स जी ने क्या किया, इन्होंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब इनके अकॉर्डिंग इक्वेशन हो गई I1 प्लस I2 डिवाइड बाय 2 इनटू डेल्टी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जो पॉजिटिव टर्म्स थे उसको इधर ले आए, ठीक है। तो आगे आप क्या देख सकते हो, आगे इन्होंने एक और इक्वेशन क्या बनाई, तो ये हो गई हमारी S1 आ जाएगा आपका इधर, ठीक है। तो S1 किस में था, माइनस में था, तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ प्लस S1 माइनस, अब ये जो माइनस है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस Q1 भी हो जाएगा, माइनस Q2 भी हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस Q1 डेल्टी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या लिखा इन्होंने, S2 प्लस, अब ये जो माइनस Q2 है वो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस Q2 डेल्टी डिवाइड बाय 2। तो ये आ गई आपकी मॉडिफाइड पुल्स इक्वेशन, ठीक है, ये आ गई आपकी मॉडिफाइड पुल्स इक्वेशन, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन मिल गई है मुझे, जिसमें कि मैंने क्या बताया था आपको, कि जब हम भी रिजर्वायर राउटिंग करेंगे तो हमारे पास चार चीजें होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, एक होना चाहिए हमारे पास आउटफ्लो और एलिवेशन का कर्व, दूसरा हमारे पास होना चाहिए स्टोरेज वॉल्यूम और एलिवेशन का कर्व, और हमारे पास होनी चाहिए इनिशियल वैल्यूज ऑफ आई एस और क्यू, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या क्या होगा, और होना चाहिए हमारे पास इनफ्लो हाइड्रोग्राफ, ये चार चीज बताई थी आपको। तो देखो ये दोनों चीज आपके पास होंगी, क्योंकि ये चारों में इंक्लूड हो गई ना, इनिशियल वैल्यू ऑफ आई एस क्यू आ गया मेरे पास, तो ये तीनों डाटा आ गया मेरे पास, और मेरे पास इनफ्लो का भी ग्राफ है, हाइड्रोग्राफ है, तो आई टू की वैल्यू भी आ गई, तो मेरे पास ये दोनों वैल्यू रहेंगी। मैं निकालूंगा क्या, मैं निकालूंगा एस टू प्लस क्यू टू डेल्टी बाई टू, क्या निकालूंगा मैं, एस टू प्लस क्यू टू डेल्टी बाई टू, है ना, हम निकालेंगे स्टोरेज, ठीक है, आउटफ्लो स्टोरेज। अब देखो ये कर्व बनाएंगे हम, हमारे पास दो कर्व भी होने चाहिए, मैंने आपको बताया था किस किस का, एलिवेशन और आउटफ्लो का, और स्टोरेज और आउटफ्लो एलिवेशन का, वो होना चाहिए। तो इससे जैसे ही हम S2 प्लस Q2 LU निकाल लेंगे, तो इसका भी एक कर्व आ जाएगा हमारे पास एलिवेशन का, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, एलिवेशन और आउटफ्लो ये भूल जाओ, चलो फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, अगर कंफ्यूज हो गए तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, इनिशियल वैल्यूज होनी चाहिए तो है हमारे पास, और इनफ्लो हाइड्रोग्राफ होना चाहिए वो भी है हमारे पास, तो हम क्या निकाल लेंगे, S2 प्लस Q2 इंटू डेल्टी, और इसका और एलिवेशन का भी एक कर्व बना लेंगे, ठीक है, और आउटफ्लो और एलिवेशन का भी एक कर्व है मेरे पास, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को इस इक्वेशन से ये दोनों वैल्यू पता थी, तो मैंने ये वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है, तो ये वैल्यू मान लो है ना, आई नहीं है, मान लो कि ये कहीं यहाँ कहीं पे आ गई, ठीक है, ये यहाँ कहीं पे आ गई वैल्यू,
ठीक है, तो मैं क्या है, ब्लू वाला क्या है, ब्लू वाला कर्व है S2, सॉरी इसको S2 कर लो आप, S2 प्लस Q2 बाई 2 डेल्टी वर्सेस एलिवेशन का कर्व है ब्लू वाला। ठीक है, तो देखो मुझे अगर मेरे को एक वैल्यू मिल गई S2 प्लस Q2 बाई डेल्टी की, तो मैं निकाल लूंगा कि एलिवेशन कितना है, मैं इसी ग्राफ से निकाल लूंगा कि एलिवेशन कितना है। ठीक है, और अगर मैंने एलिवेशन निकाल लिया, अगर मैंने एलिवेशन निकाल लिया तो मैं देख लूंगा कौन से वाले ग्राफ में, ये देखो एक और ग्राफ है मेरे पास, ये किसका है, आउटफ्लो और एलिवेशन का ग्राफ है। ठीक है, किसका है, आउटफ्लो और एलिवेशन का, तो ये भी कहीं स्ट्राइक करेगा, तो इसकी हेल्प से मैं क्या निकाल लूंगा, इसकी हेल्प से, सॉरी इसकी हेल्प से, इसको ठीक कर लेते हैं अपन। ठीक है, इसकी हेल्प से ये जो एलिवेशन मिला है मुझे, मैं फिर से समझाऊंगा एक बार, ठीक है, ये जो एलिवेशन मिला है मुझे उसकी हेल्प से आप सीधी लाइन बनाना, ठीक है, मेरी सीधी लाइन बनती नहीं है, है ना, उसकी हेल्प से मैं क्या निकाल लूंगा, आउटफ्लो की वैल्यू, है ना, आउटफ्लो की वैल्यू मिल गई। देखो मुझे फिर से समझा रहा हूं, हमारे पास इनिशियल वैल्यूज है, ठीक है, जिससे हमने S2 प्लस Q2 डेल्टी निकाल लिया, उसके बाद क्या करेंगे हम, उस वैल्यू के लिए एलिवेशन निकालेंगे नया, ठीक है, नेक्स्ट उससे हम आउटफ्लो निकाल लेंगे, तो हमको आउटफ्लो मिल जा रहा है, आउटफ्लो ही तो चाहिए था ना, आउटफ्लो हमको मिल जा रहा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब देखो आप स्टेप्स जो हमने किए हुए हैं, और इसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल भी बताऊंगा आपको, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए ये मेथड। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप क्या होगा, आपके पास क्या क्या गिवन होगा, मैं चार बार बता चुका हूं, चार चीजें गिवन होंगी, क्या क्या, इनिशियल वैल्यूज ऑफ आई एस एंड क्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होगा इनफ्लो हाइड्रोग्राफ। ठीक है, और क्या होंगे, दो होंगे कर्व, कौन कौन से कर्व होंगे हमारे पास, एक होगा आउटफ्लो और एलिवेशन का, एक होगा स्टोरेज और एलिवेशन का, बताया था मैंने। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में फ्रॉम द नोन स्टोरेज एलिवेशन डिस्चार्ज एलिवेशन डाटा, ठीक है, ये होगा हमारे पास, क्या क्या होगा, स्टोरेज एलिवेशन और डिस्चार्ज एलिवेशन। ठीक है, डाटा, प्रिपेयर अ कर्व ऑफ एस टू प्लस क्यू डेल्टी बाई टू वर्सेज एलिवेशन। ठीक है, सबसे पहले ये तीनों डाटा की हेल्प, ये दोनों डाटा की हेल्प से क्या क्या, स्टोरेज एलिवेशन, एक कर्व हो गया आपका स्टोरेज एलिवेशन का, और दूसरा कर्व हो गया डिस्चार्ज एलिवेशन का। ठीक है, डिस्चार्ज और एलिवेशन का, उस दोनों की मदद से हम क्या बना लेंगे, हम बना लेंगे ये S2 प्लस Q2 बाई इंटू डेल्टी वर्सेज एलिवेशन का कर्व। ठीक है, जो ब्लू वाला मिला है वो हम गिवन डाटा से बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ऑन द सेम प्लॉट प्रिपेयर अ कर्व ऑफ आउटफ्लो। ठीक है, सेम प्लॉट की हेल्प से हम एक कर्व बना लेंगे आउटफ्लो और एलिवेशन का। ठीक है, शुरू से बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए एलिवेशन और आउटफ्लो का एक और कर्व, एक कर्व बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, द स्टोरेज एलिवेशन एंड आउटफ्लो डिस्चार्ज एट द स्टार्टिंग ऑफ द राउटिंग आर नोन। मैंने बताया था आपको क्या क्या नोन होगा, इनिशियल वैल्यूज ऑफ आई एस एंड तुम्हारा क्यू। ठीक है, और आपको स्टोरेज और एलिवेशन भी दिया होगा इनिशियली कि राउटिंग कहां से स्टार्ट करनी है, नहीं तो कैसे करोगे आप। ठीक है, तो ये हमको नोन होगा, तो फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम इंटरवल डेल्टी लेंगे, उसमें हमको आई वन प्लस आई टू बाई टू इंटू डेल्टी नोन होगा, और क्या नोन होगा, एस वन माइनस क्यू वन डेल्टी बाई टू, है ना। इस इक्वेशन में बताया था मैंने कि हमको ये दोनों टर्म्स नोन होंगे, ये और ये नोन होगा, तो हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं, इस टर्म को फाइंड कर सकते हैं, यही लिखा है मैंने, आर नोन टू डिटरमाइन एस टू प्लस क्यू टू डेल्टी बाई टू। ठीक है, जो मैंने बताया है वही चीज यहाँ लिखाया है, ठीक है, ताकि आप नोट डाउन कर सको। ठीक है, यहाँ पे एक बार आप पॉज कर लो और पूरा नोट कर लो। ठीक है, चलो चौथा स्टेप, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद हम उसकी करस्पॉन्डिंग क्या ढूंढेंगे, देखो द वॉटर सरफेस एलिवेशन
corresponding to S2 plus Q2 into del T is found by using the plot of step 1. Step 1 में हमने क्या क्या plot किया था? हमने ये वाला graph बनाया था, देखो, S2 plus Q2 del T versus elevation का graph बनाया था. अब जब हमको S2 plus Q2 del T की वैल्यू मिल चुकी है, तो मैं क्या करूँगा? उसके corresponding elevation ढूँढूँगा. उसके corresponding elevation ढूँढूँगा, जैसे मैंने आपको बताया था पहले. उसके corresponding elevation ढूँढा मैंने. Is found by using plot 1, ठीक है, step 1. The outflow discharge Q2, उसके बाद मैंने क्या बताया था? Outflow discharge Q2 at the end of the time step del T is found from the plot of step 2. Step 2 में हमने कौन सा curve बनाया था? Step 2 में हमने ये discharge, outflow discharge और elevation का curve बनाया था. तो मैं इस elevation की help से outflow निकाल लूँगा, तो पहली value का outflow मुझे मिल गया है, ठीक है, पहली value का outflow मुझे मिल गया है. अब मैं क्या करूँगा next step में? Q2 del T, है ना, आउटफ्लो मिल गया है मेरे पास. Q2 del T को सब्ट्रैक्ट करूंगा किससे? S2 plus Q2 del T by 2 से, ठीक है. तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा S minus Q del T by 2, क्योंकि ये तो हमारे पास सिर्फ इनिशियल वैल्यू थी ना. अब सेकंड स्टेप के लिए भी तो ये वैल्यू जरूरी है, ठीक है. पहले इनिशियल स्टेप में ये दोनों वैल्यू थी, इसकी तो पूरी वैल्यू है आपके पास, I1 plus I2 by 2 की पूरी वैल्यू है आपके पास. कैसे? क्योंकि आपके पास इनफ्लो हाइड्रोग्राफ है. हमेशा याद रखना चार चीज हैं, है ना, तो उसमें से एक क्या है आपका? इनफ्लो हाइड्रोग्राफ. तो ये तो आपके पास है, लेकिन इन दोनों की इनिशियल वैल्यू है सिर्फ आपके पास S1 और Q1 की, ठीक है. तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट वैल्यू कैसे निकालोगे? दूसरे स्टेप में भी तो जाना है, सिर्फ आउटफ्लो एक टाइम का थोड़ी निकालना है, हमको तो पूरा टेबल बनाना है ना, पूरी वैल्यू चाहिए आउटफ्लो की हर डेल टी टाइम के लिए. तो नेक्स्ट वाली निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? मेरे पास S2 plus Q2 by डेल टी आ चुका है, डेल टी by 2, इससे मैं माइनस कर दूंगा Q2 into डेल टी. Q2 भी मिल चुका है मुझे, है ना, आउटफ्लो डिस्चार्ज मिला है ना मुझे, कर दूंगा मैं. तो मुझे क्या मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए? S minus Q del T by 2. अब नेक्स्ट स्टेप के लिए ये तो है मेरे पास इनफ्लो हाइड्रोग्राफ से, और ये मैंने निकाल लिया नया अगले के लिए. तो अगले का S2 plus Q2 del T मैं निकाल लूंगा, क्लियर है, है ना, अगले का S2 plus Q2 del T मैं निकाल लूंगा. फिर से बता रहा हूं एक बार, ये गिवन है. ये नेक्स्ट स्टेप के लिए कैसे निकालोगे? पुराने स्टेप का S2 plus Q2 del T by 2 के सबट्रैक करोगे. क्या सबट्रैक करेंगे हम? Q2 del T. क्या सबट्रैक करेंगे हम? Q2 del T. तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिलेगा S minus Q del T by 2, ठीक है. अब क्या करोगे आप? ये मिल गया, फिर से आप नया क्या निकालोगे? फिर से नया S2 plus Q2 del T by 2 निकालोगे, फिर उसका नया एलिवेशन खोजोगे ग्राफ से. अब मान लो नई वाली वैल्यू कुछ यहाँ पे आ रही है, ठीक है, नई वाली वैल्यू कुछ यहाँ पे आ रही है. तो अब इस नई वाली वैल्यू का मैं नया एलिवेशन ढूंढूंगा यहाँ पे, ठीक है, और इस वाले एलिवेशन से जो करस्पॉन्डिंग आउटफ्लो निकलेगा उसको मैं यहाँ पे निकाल लूंगा, ठीक है. ऐसे ही मैं हर प्रोसेस रिपीट करता जाऊंगा. उसके बाद क्या करूंगा? जैसे ये निकलेगा उसके बाद फिर से माइनस करूंगा Q2 del T, नया टर्म मिलेगा मुझे S minus Q del T का नया टर्म मिलेगा. ये तो है, अब मैं नया S2 Q2 del T निकाल लूंगा, मान लो वो यहाँ कहीं आ रहा है नया है Q2, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग मैं एलिवेशन निकाल लूंगा, ठीक है, और उस एलिवेशन के करस्पॉन्डिंग मैं फिर से नया आउटफ्लो निकालते जाऊंगा, और ऐसे मैं पूरे चैनल का, पूरे रिजर्वायर की राउटिंग कर लूंगा हर वैल्यू के लिए, ठीक है. प्रोसेस क्लियर है? देखो अभी भी अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो अब हम इससे रिलेटेड दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है. चलिए प्रॉब्लम देखते हैं. चलिए स्टूडेंट्स अब इससे एक प्रॉब्लम करते हैं हम, है ना. प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हो जाएगा. देखो प्रॉब्लम क्या है,
इफ द स्टोरेज डिस्चार्ज एलिवेशन रिलेशनशिप ऑफ अ रिजर्वायर इज एज फॉलोज। तो मैंने आपको पहले स्टेप में लिखाया था क्या क्या गिवन होगा, एलिवेशन स्टोरेज और डिस्चार्ज एलिवेशन, है ना, ये सब का रिलेशन गिवन होगा। गिवन है रिलेशन, लिखा है एलिवेशन अगर 472 है तो स्टोरेज होगा 51.62 और डिस्चार्ज होगा 49.2, ऐसा आपको दिया हुआ है। एलिवेशन है मीटर में, स्टोरेज है मीटर क्यूब पर सेकेंड डे में और डिस्चार्ज है मीटर क्यूब पर सेकेंड में, ठीक है। आगे बोल रहा है एंड द फ्लड लाइन फ्लड पासिस थ्रू रिजर्वायर लाइक, ये रिजर्वायर राउटिंग है ना, तो कैसे जा रहा है, ये हाइड्रोग्राफ बन गया है एक इनफ्लो हाइड्रोग्राफ, ये भी गिवन होना चाहिए, गिवन है ना, चार चीजें जो बताया था गिवन है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, फाइंड फ्लड हाइड्रोग्राफ आफ्टर राउटिंग इफ द आउटफ्लो फ्रॉम द रिजर्वायर जस्ट बिफोर द फ्लड वॉज 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपको एक आउटफ्लो भी दिया हुआ है, ठीक है, ताकि आप सेकेंड टर्म निकाल सको, इनफ्लो और वो आउटफ्लो का एक टर्म दिया रहेगा, बताया था मैंने, और स्टोरेज पूरा दिया हुआ है, ताकि हम S2 plus Q2 delta upon 2 निकाल सकें, ठीक है, इसलिए दिया हुआ है। चलो अब देखो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो पहले हमारा स्टेप क्या होता था, फर्स्ट हमको निकाल लेना है स्टोरेज डिस्चार्ज और एलिवेशन की हेल्प से एस प्लस क्यू डेल्टी बाई टू का सारा वैल्यूज और एस माइनस क्यू डेल्टी बाई टू की सारी वैल्यूज हमको निकाल लेनी है, सबसे पहला स्टेप करना है, ठीक है, हर स्टोरेज और एलिवेशन के लिए, ठीक है। निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला इसी में दिया हुआ है ना, फॉर्मूला इसी में दिया हुआ है। तो देखो डेल्टी क्या आ रहा है, अब स्टोरेज है डेज में, ठीक है, और डेल्टी कितना है मेरा, देखो इनफ्लो हाइड्रोग्राफ में आपको पता चलेगा कि हम डेल्टी कितना लेंगे, ठीक है, तो डेल्टी कितना है मेरा, डेल्टी है मेरा 6 आवर्स है डेल्टी, देखो सब में कितना डिफरेंस है, 6 आवर का डिफरेंस है, तो अगर मैं इसको डे में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 divided by 24 0.25 days, ठीक है, तो डेल्टी तो मिल गया मेरे को डेज में कितना है 0.25 days, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं एस प्लस क्यू डेल्टी बाई टू, ठीक है, इसको अपन यहां से कर लेते हैं। तो देखो एस कितना है, पहले के लिए तो छोड़ दो, पहले के लिए तो छोड़ देते हैं 0 0, पहला यहां पे कितना है 51.62 है, कितना है 51.62 है, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या दिया है फॉर्मूले में, प्लस क्यू, ठीक है, क्यू कितना है देखो, प्लस क्यू कितना है मेरे पास, क्यू कितना है, क्यू है मेरे पास 49.2, तो मैं क्या करूंगा 49.2 इंटू 0.25 divided by 2, तो देखो कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है चेक करेंगे जब हम, तो ये आ रहा है अराउंड, चलो देख लेते हैं, 51.62 प्लस 49.2 divided by 2 इंटू 0.25, तो ये आ रहा है 57.77, कितना आ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 57.77, ठीक है, तो पहली चीज आ गई मेरे पास। अब चलो इसी में अगर मैं माइनस लगा दूं, इसी में अगर मैं माइनस लगा दूं, तो क्या आएगा, तो आएगा मेरे पास 45.47, ठीक है, तो हमारे पास आ गई है पहली वैल्यूज। अब ऐसे ही करते हुए आप क्या निकाल लोगे, ऐसे ही करते हुए सारी वैल्यूज आप निकाल लोगे, ठीक है, चलो देख लेते हैं, ऐसे ही करते हुए हमारी वैल्यू सही आई है कि नहीं, वो मैं चेक कर रहा था, तो सही आई है हमारी वैल्यूज, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हमारी आगे की वैल्यूज क्या आती हैं, तो ये तो आ गई पहली, वैसे ही आप दूसरी निकालोगे, दूसरे में क्या करोगे, एस प्लस क्यू डेल्टी डिवाइड बाय टू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 105.77
67 प्लस 105.67 प्लस डिस्चार्ज कितना है 69.6, तो 69.6 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 105.67 प्लस कर लेते हैं प्लस 69.6 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है 114 है ना, 114.37। ठीक है, अब अगर वैसे ही मुझे माइनस की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा, तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास अराउंड 96.97। ठीक है, आ गया। अब नेक्स्ट निकालेंगे हम, नेक्स्ट निकालोगे तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा देख लेते हैं। नेक्स्ट अब हम निकालते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 163.19, 163.19 प्लस कितना है डिस्चार्ज 85.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.25। इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे कितना आ रहा है, 163.19 प्लस 85.2 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है मेरे पास 173.84। कितना आ रहा है 173.84। सिमिलरली अगर मैं वैसे ही माइनस के लिए निकालूंगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा माइनस के लिए, आ जाएगा ये 152.54। ठीक है, चलो ये भी आ चुका है हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अब रिकॉर्ड करेंगे प्लस के लिए, तो क्या करेंगे अब नेक्स्ट वैल्यू 225.12। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है 225.12 प्लस क्या करोगे, डिस्चार्ज कितना है 98.4 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.25, तो ये आएगा 237.42। और जब आप इसको माइनस करोगे, माइनस करता हूँ तो आएगा 212.82। ठीक है, आ रही है वैल्यूज। अब आप आगे देखोगे, आगे क्या करेंगे हम 292.36 प्लस 110 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, करते हैं तो ये आएगा 292.36 प्लस 110 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है मेरे पास 306.11। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरे पास, नेक्स्ट इसी का माइनस करूंगा, क्या करूंगा 292.36 माइनस डिस्चार्ज कितना है 110 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है 278.61। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्यों कितना है 365.63 माइनस, नहीं पहले क्या करेंगे प्लस, ठीक है माइनस भी कर सकते हो आप, ठीक है 247.8 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आता है 396.61। ठीक है, और अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये आता है, वैसे आएगा 605, लेकिन मैंने इसको दो डिजिट में ही लिख रहे हैं हम सारी वैल्यू, इसलिए दो डिजिट में वन ले लिया है। ठीक है, ये भी आता है 655, तो हम इसको ले लेंगे 7.655 आ रहा है, तो हम ले लेंगे 7। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, एक और आगे क्या करेंगे 445.72 प्लस
490 into 0.25 divided by 2, तो ये आएगा 506.97। ठीक है, अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट माइनस करूंगा मैं, तो माइनस करते ही ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 384.47। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट बचा है, लास्ट क्या होगा, 533.45 प्लस 806, डिस्चार्ज कितना है 800.6 इन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 633.53 लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 525 आ रहा है लेकिन हम क्या लिखेंगे, 53 लिख लेंगे। ठीक है, हम लिख लेंगे 53। ठीक है, अब अगर ये माइनस होगा तो आंसर कितना आएगा, तो आ जाएगा 433.375 आ रहा है, तो मैं लिख देता हूँ 38। तो क्लियर है, अभी तक हमने क्या किया, अभी हमने एलिवेशन, डिस्चार्ज और स्टोरेज की हेल्प से S प्लस क्यू डेल्टी बाई 2 और S माइनस क्यू डेल्टी बाई 2 के सारी वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखेंगे, हम इनफ्लो की सारी वैल्यूज कैसे लिखते हैं और हम आउटफ्लो के डिस्चार्ज को कैसे निकालते हैं अपने फॉर्मूले से, वो हम देखेंगे। ठीक है, चलो तो देखो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा क्वेश्चन में, अब हम एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, जिसमें हम टाइम लिख देंगे, इनफ्लो लिख देंगे और हमारा ये जो वैल्यू था हमारे इक्वेशन का, वो हम निकाल लेंगे इनफ्लो की हेल्प से। ये हमारे पास हमेशा रहेगा, मैंने बताया था आपको, क्योंकि हमारे पास इनफ्लो हाइड्रोग्राफ है। ठीक है, तो अब इनफ्लो की वैल्यू पूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला छोड़ देते हैं, दूसरे वाले का कैसे निकालोगे, देखो फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, I1 प्लस I2 कितना हुआ, 50 प्लस 180, 230 डिवाइडेड बाई 2, 115 इंटू डेल्टी, डेल्टी कितना है, डेल्टी है सेम मेरे पास, डेल्टी है कितना, डेल्टी है 0.25 डेज। ठीक है, ये सब का यूनिट क्या होगा, ये सब वॉल्यूम में है, यूनिट होगा इनका, यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे, यहाँ लिख देते हैं हम, ये सब का यूनिट, इसका इसका और इसका, रेड वाले सब का यूनिट होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड डे। ठीक है, और एलिवेशन का तो आपको पता है क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ मीटर, और आउटफ्लो डिस्चार्ज का मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, चलिए तो अब हम निकालते हैं इनफ्लो कितना आ रहा है। देखो पहले वाले केस के लिए, इसके लिए कैसे निकालूंगा मैं, इसके लिए हम करेंगे 50 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.25। देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है अराउंड 115 इंटू 0.25, ये आ रहा है 28.75। कितना आ रहा है, 28.75। सिमिलरली अगर मेरे को सेकेंड निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, सेकेंड के लिए मैं करूँगा देख लो यहाँ पे 180 प्लस दूसरी वैल्यू क्या है, 270 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.25। ठीक है, चलो कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है, तो 180 प्लस 270 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.25, तो ये आ रहा है 56.25। कितना आ रहा है, 56.25। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हो जाएगा। नेक्स्ट मैं करूंगा 270 प्लस 360 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.25। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, 270 प्लस 360 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.25 कितना आ रहा है, चेक कर लेते हैं हम कैलकुलेटर में, तो ये आ जाएगा आपका अराउंड 360, ये आ जाएगा 78.75। ठीक है, नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट क्या करूंगा मैं 360 प्लस
फोर टेन प्लस 410 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ रहा है देखो चेक करेंगे अब हम, तो ये आ जाएगा आपके पास अराउंड 410, ये आ रहा है 96.25, कितना आ रहा है 96.25। अब नेक्स्ट मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इतने सारे तो बता दिए आपको, है ना, प्रोसेस बता दिया है, सेम ऐसे ही होगा। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, 410 प्लस 370 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.25, ये आएगा 97.5, ये आएगा कितना 97.5, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे मैं क्या करूँगा, 370 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.25, तो ये आ जाएगा मेरे पास 83.75 आ रहा है, देख लेते हैं। हाँ, 370 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.25, तो ये मेरे पास आ रहा है 83.75, लिख लेंगे 83.75, ठीक है, 83.75। नेक्स्ट क्या करूँगा मैं, नेक्स्ट 300 प्लस 230, है ना, 300 प्लस 230 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.25, तो आ रहा है 66.25। नेक्स्ट अब मैं 230 प्लस 155 करेंगे, ठीक है, 155, तो ये आ रहा है 48.125, तो मैं ले लेता हूँ इसको 48.13, ठीक है। नेक्स्ट 155 प्लस 90 कितना आ रहा है, 155 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है 30.625, तो मैं इसको ले लेता हूँ 30.63, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम, 90 प्लस 60 तो आ जाएगा 75 इंटू 0.25, तो ये आ जाएगा 18.75, ठीक है, 18.75। नेक्स्ट क्या करूँगा मैं, 60 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 95 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 95 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.25, ये आ जाएगा 11.875, तो इसको ले लेते हैं 11.88, ठीक है। नेक्स्ट आखिरी क्या हो जाएगा, 35 प्लस 20 55, 55 डिवाइडेड बाई 2, तो 27.5 इंटू 0.25, तो ये हो जाएगा 6.875, तो ये हो जाएगा 6.88, ठीक है। चलो आ गया हमारे पास, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अब आगे का हम क्या करेंगे, आगे की वैल्यूज निकालेंगे, किस तरीके से निकालता हूँ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे की वैल्यू निकालते हैं। तो अब देखो, हमने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, लास्ट लाइन देखो क्वेश्चन में दी थी, फाइंड द फ्लड हाइड्रोग्राफ आफ्टर राउटिंग इफ द आउटफ्लो फ्रॉम द रिजर्वायर जस्ट बिफोर द फ्लड वॉज 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो पहला आउटफ्लो वैल्यू आपको गिवन है कितना, 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो अब देखो डिस्चार्ज, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसके लिए एलिवेशन, ठीक है, कि एलिवेशन क्या आ रहा है इस आउटफ्लो के लिए, ठीक है। पहले बार आपको क्या दिया है, आउटफ्लो दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इससे एलिवेशन निकालोगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ एलिवेशन और डिस्चार्ज का, तो जब डिस्चार्ज 110 होता है तो एलिवेशन देखो कितना दिया है, 480, और जब डिस्चार्ज 247.8 होता है तो एलिवेशन कितना दिया हुआ है आपको, 482, ठीक है। तो हमको किसके लिए चाहिए, हमको चाहिए 200 के डिस्चार्ज के लिए एलिवेशन। तो आप कैसे निकालोगे, अब हमको करना पड़ेगा इंटरपोलेशन, क्योंकि देखो ये क्या है, सेमी ग्राफ मेथड है ना, तो ग्राफ से यूज करके करते हैं, लेकिन ग्राफ तो है नहीं हमारे पास, हमारे पास ये वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इंटरपोलेट करके एलिवेशन निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहां लिख सकता हूं, एलिवेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो एलिवेशन इज इक्वल्स टू, एलिवेशन इज इक्वल्स टू कितने से कितने वेरी कर रहा है, ये 480 से 482, है ना,
तो हम जब इंटरपोलेट करते हैं तो सबसे पहले छोटी वैल्यू लिख देते हैं 480, ठीक है। प्लस प्लस निकालना किसके इसके बीच में है, 480 और 482, तो मैं लिखूंगा 482 माइनस 480 डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 247.8 सिर्फ। अब इसमें आपको इंटरपोलेशन ही करना है, ठीक है, इसमें आप इंटरपोलेशन के एकदम बादशाह बन जाओगे, ठीक है। देखो कैसे होगा, 247.8 माइनस दूसरा कितना है 110, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम 200 माइनस 110, तो देखेंगे एलिवेशन क्या आ रहा है, चेक करेंगे आप, तो एलिवेशन क्या आ रहा है अभी हम निकाल लेते हैं। तो आएगा 480 प्लस 482 माइनस 480 डिवाइडेड बाय 247.8 माइनस 110 इंटू 90, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास 481.3, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 481.3 मीटर, ठीक है। तो देखो एलिवेशन मुझे मिल चुका है, एलिवेशन मुझे कितना मिला है, एलिवेशन मुझे मिला है 481.3, कितना मिला है 481.3, ठीक है। अब मैं निकालूंगा कौन सी वैल्यू, अब मैं निकालूंगा S1 माइनस Q1 डेल T बाय 2 एलिवेशन की हेल्प से। कैसे निकालूंगा, देखो अब देखो हम क्या करते हैं, एलिवेशन की हेल्प से निकालते हैं ना। तो देखो एलिवेशन और S माइनस Q डेल T बाय 2 का भी रिलेशन है मेरे पास, तो जब एलिवेशन 480 होता है तो ये कितना होता है 278.61, और जब एलिवेशन 482 होता है तो ये कितना होता है 334.7। ये दी हुई है दो वैल्यू, देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये वाली और ये वाली, ठीक है, क्योंकि हमारा एलिवेशन इनके बीच में है, हमारा एलिवेशन कितना है 481.3, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट निकालने जा रहा हूँ, नेक्स्ट निकालने जा रहे हैं हम S माइनस क्यू डेल टी बाई 2, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखो तो 480 के लिए कितना है 278.6, इंटरपोलेशन करना होगा, तो मैं लिख देता हूँ 278.61 प्लस जो चीज़ निकालनी होती है वो ऊपर आती है ना, और जिसके हेल्प से निकालनी होती है वो नीचे आती है, ठीक है। तो हम कौन सी चीज़ निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एस माइनस क्यू डेल टी बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 334.7 डिवाइड माइनस 278.61 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं, 482 माइनस 480, तो ये हो जाता है 2 इंटू, क्या करते हो आप, यहाँ हमने 200 इंटू एक माइनस 110 किया था, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे करेंगे हम 481.3 माइनस 480, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1.3। तो देखेंगे अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, चेक करेंगे, तो ये आएगी अराउंड, देख लेते हैं, 278.61 प्लस 334.7 माइनस 278.61 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.3, तो ये आ रही है 315.0685, तो मैं इसको ले लेता हूँ 315, ठीक है। हमने इसको ले लिया कितना, 315, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 315 आया है मेरे पास, यहाँ पे आएगा आपका यहाँ पे आएगा आपका 315, ठीक है। और अब आपको पता है कि जब मुझे S माइनस Q डेल टी बाई 2 की वैल्यू मिल जाती है और इनफ्लो की वैल्यू मिल जाती है, तो बेसिक इक्वेशन क्या थी, याद करेंगे, बेसिक इक्वेशन क्या थी, Q1 प्लस Q2 बाई 2 इंटू डेल टी प्लस 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 S1 माइनस Q1 डेल टी डिवाइड बाई 2
इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता था? ये होता था एस टू प्लस क्यू टू डेल टी डिवाइड बाई टू, इसके बराबर होता था ये। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे फॉर्मूला है, याद रखना बेसिक फॉर्मूला, ये और ये मिला के क्या बनता है, एस टू प्लस क्यू टू डेल टी बाई टू। तो यहां मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एस टू प्लस क्यू डेल टी बाई टू की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 315 प्लस 28.75 कर दूंगा, ठीक है, यही तो है ना। देखो I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2 इंटू डेल टी प्लस S1 माइनस Q डेल टी डिवाइड बाई 2, तो क्या मिल जाएगा मुझे, S2 प्लस Q2 डेल टी बाई 2 मिल जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है देखो, ये आएगा आपका अराउंड, देखो 28.75 प्लस 315, ये आएगा मेरे पास 343, ये आएगा मेरे पास 343.75, ठीक है। अब देखो, अब इसके एलिवेशन और आउटफ्लो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको जब ग्राफ समझा रहा था तो बताया था कि S2 Q2 delta मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे, उसकी हेल्प से हम एलिवेशन निकालेंगे। देखो इंटरपोलेट करके मैंने क्या किया था, यहाँ पे एलिवेशन निकाला था और एलिवेशन की हेल्प से आउटफ्लो निकाला था, है ना। देखो यहाँ पे किया था हमने ऐसे ही, तो वैसे ही करेंगे हम यहाँ पे भी। देखो जब मेरा S S प्लस Q डेल टी बाई टू कितना आया है, हमारा कौन सी रेंज में आ रहा है, कौन सी रेंज में आ रहा है हमारा, हमारा कितना आया है, यहाँ देखो कितना आया है हमारा 343.75। इस टेबल में आपको किसकी रेंज में दिख रहा है, इसकी रेंज में दिख रहा है 306.11 से लेके 396.61 तक। तो मैं एलिवेशन भी निकाल लूंगा किससे, इसी की हेल्प से। चलो आओ एलिवेशन निकालते हैं पहले। तो मैं जब एलिवेशन निकालूंगा, फिर से हम निकालेंगे एलिवेशन, तो क्या करेंगे, इंटरपोलेट करेंगे किसके लिए, 306.11 से लेके 296.61 तक, ठीक है, एलिवेशन निकाल रहे हैं। तो मैं यहाँ जो निकालते हैं उसको लिख देते हैं 480 प्लस, जो निकालते हैं उसकी रेंज लिखते हैं, उसके बाद 482 माइनस 480 डिवाइडेड बाय, जिसकी हेल्प से निकालते हैं उसको रेंज लिखते हैं नीचे, कितनी है उसकी रेंज 396.61 माइनस 306.11 इंटू जो आपको चाहिए होता है उसका लिखते हो माइनस में। तो चाहिए क्या है, चाहिए है हमको किसके, किसके हेल्प से चाहिए है, इसकी हेल्प से चाहिए है। तो क्या है, 343 यहाँ लिख देते हैं, 343.75 माइनस 306.11। तो देखो क्या आ रहा है एलिवेशन, अब आ रहा है मेरा एलिवेशन, एलिवेशन आ रहा है मेरा, देख लेते हैं, 480 प्लस 480 प्लस 482 माइनस 480 डिवाइडेड बाय 396.61 माइनस 306.11 इंटू 343.75 माइनस 306.11। तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है 480.43, कितना आ रहा है 480.43, ठीक है, लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ये आ रहा है 480.83। तो मैं अब यहाँ पे वैल्यू लिख दूंगा, कहाँ पे, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 480.83, कितनी आ रही है 480.83, ठीक है। अब मैं क्या करता था, देखो टेबल में यहाँ पे ग्राफ में, अब हम क्या करते थे, जैसे ही हमको एलिवेशन की वैल्यू मिल जाती थी, इसी एलिवेशन से क्या निकालते थे, आउटफ्लो, बताया था इसी एलिवेशन की हेल्प से क्या निकालोगे, आउटफ्लो। तो एलिवेशन अब कितना है मेरा, 480 और 482 के बीच में है, इसी रेंज में है, तो डिस्चार्ज कितना आएगा, 110 और 247.8 के बीच में आएगा। चलो अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं,
इसका अब हम निकाल लेते हैं डिस्चार्ज, ठीक है। तो आउटफ्लो लिख देता हूं मैं, आउटफ्लो, आउटफ्लो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आउटफ्लो इज इक्वल्स टू, देखो अब हमको क्या निकालना है, आउटफ्लो, तो आउटफ्लो की मिनिमम रेंज कितनी है, 110 है, जो रेंज में हमको चाहिए है 110 प्लस जो निकालना होता है वही ऊपर आता है 247.8 माइनस 110 डिवाइडेड बाय, जिसकी हेल्प से निकालना होता है तो 482 माइनस 480 डिवाइड माय इन, यहाँ पे आएगा 480.83 माइनस 480। तो अब इसको चेक करेंगे तो देखो आउटफ्लो कितना आ रहा है, आउटफ्लो आ रहा है मेरा, कैलकुलेटर से देखते हैं, ये आएगा 110 प्लस 247.8 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 0.83 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, तो ये आ रहा है 167.187, ठीक है। तो अब हम इसको ले लेते हैं 167.187 आ रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं 160.2 ले लेते हैं, ठीक है, कितना ले लेते हैं 160.2 ले लेते हैं। चलो इसको रेड से लिखना था, है ना, नहीं तो रंग बिरंगा हो जाएगा, इसको लिख देते हैं हम रेड से, ब्लैक बन गया है तो 0.2, ठीक है। चलो इसको अच्छे से कर देते हैं, 160.2 आ रहा है, ठीक है, 167.187 आ रहा है, तो आप इसको 2 भी ले सकते हो, ठीक है। चलो 83 था ना, हाँ 480.83 था, है ना। चलिए तो ये आ गया मेरे पास 167.2, ठीक है, डिस्चार्ज आ गया मेरे पास 167.2। अब मैं क्या करूंगा, इस डिस्चार्ज की हेल्प से क्या निकालूंगा, S1 माइनस Q1 delta by 2, कैसे आएगा, कैसे आएगा, देखो आप, मैंने आपको बताया था, है ना, कि जब हम क्या करते हैं S2, चलो यहां पे बोल लिखाते हैं अच्छे से, यहां पे निकालते हैं, मैंने आपको स्टेप्स में लिखवाया था, कि जब आप S2 प्लस Q2 डेल्टी डिवाइड बाई 2 माइनस, इसको माइनस करते हो किससे, Q डेल्टी बाई 2 से, तो क्या मिल जाता है आपको, आपको मिलता है S माइनस Q डेल्टी डिवाइड बाई 2 1, है ना। नेक्स्ट वाले का क्या मिल जाता है हमको, S माइनस Q डेल्टी बाई 2 मिल जाता है इससे माइनस करने से, ठीक है। तो देखो S2 प्लस Q2 डेल्टी कितना आया है मेरे पास, ये आया है मेरे पास 480, देख लेते हैं, ये आया है मेरे पास, सॉरी 343.75 माइनस Q कितना आया है 167.2 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 2, तो देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास, निकाल लेते हैं हम, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 343.75 माइनस 167.2 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास क्या आ रहा है आंसर, देख लेते हैं एक बार, ठीक है, तो ये आ रहा है मेरे पास 301.95, ठीक है। चलिए तो आउटफ्लो आ गया मेरे पास 167.2 आ गया आउटफ्लो। अब मैंने क्या बताया था आपको, एक चीज कि जब आउटफ्लो आ जाएगा मेरे पास
तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या था देखो, एस टू माइनस क्यू टू डेल टी डिवाइड बाय टू, ठीक है, ये था, सॉरी प्लस में था ये, माइनस अगर मैं करता हूं क्यू डेल टी, माइनस में क्या करता हूं क्यू डेल टी, तो क्या मिल जाता है मुझे, तो मेरे को मिलता है एस माइनस क्यू डेल टी डिवाइड बाय टू, ये मिल जाता है मेरे को, है ना। तो देखो हमारे पास क्यू टू प्लस सॉरी एस टू प्लस क्यू टू डेल टी क्या है, ये है हमारे पास 343, कितना है 343.75 माइनस Q डेल्टी क्या है, Q डेल्टी है 167.2 इनटू डेल्टी कितना है, डेल्टी है मेरे पास 0.25, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, निकाल लेते हैं हम कैलकुलेटर से, आओ कितना आ रहा है देखो, 373.75 माइनस 167.5 इनटू 0.25, तो ये आ रहा है 301.875, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 301.88 ले लेते हैं, ठीक है, 301.875 आ रहा है, ठीक है, 301.875 आ रहा है, तो मैं ले लेता हूँ 9, ठीक है, बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी आ गई है 301.9। अब मैं S2 प्लस Q2 डेल्टी निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, इसको ऐड कर दूंगा 56 को, है ना, ये वाला फॉर्मूला है ना मेरे पास, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2 इंटू डेल्टी प्लस S1 माइनस Q डेल्टी बाय 2 आ गया है मेरे पास, ये मिल चुका है। तो अब मैं ऐड करूंगा इसको, इसमें ऐड कर लेता हूँ, तो ये आएगा आपके पास 301.9 प्लस 56.25, तो ये आएगा आपके पास 358.15, ठीक है, कितना आ रहा है 358.15, ठीक है, मिल गया मुझे। अब मैं क्या करूंगा देखो, यहाँ पे हम ग्राफ की हेल्प से क्या करते हैं, जब हमारे पास S2 plus Q2 delta versus elevation का ग्राफ है, तो मैं इंटरपोलेशन से एलिवेशन निकाल लूंगा। अब चलो, तो अब एलिवेशन निकालेंगे, तो एलिवेशन क्या आ जाएगा, एलिवेशन एलिवेशन इज इक्वल्स टू, एलिवेशन इज इक्वल्स टू किस रेंज में है एलिवेशन, देखो S2 प्लस Q2 डेल टी बाई 2 की क्या है रेंज, यहाँ देख लेते हैं कौन सी रेंज में आ रहा है, सेम एक ही रेंज में घूम रहा है सब कुछ, है ना, किस पे है देखो, इस पे एलिवेशन निकालते हैं, तो जो निकालना होता है, क्या निकालना है, एलिवेशन निकालना है, तो 480 प्लस क्या करोगे आप, 482 माइनस 480 डिवाइडेड बाय, जिसकी हेल्प से निकालना होता है, किसकी हेल्प से निकालना है हमको, 396.61 माइनस 396.61 माइनस 306.11 इंटू क्या करूंगा मैं, इंटू करेंगे हम, है कितना हमारे पास 358.15 माइनस 358.15 माइनस क्या करूंगा 306.11, तो एलिवेशन कितना आ रहा है देखते हैं हम, एलिवेशन आ रहा है 480 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 396.61 माइनस 306.11 इंटू क्या करना है 358.15 माइनस 306.11, तो ये आ जाएगा 481.15, कितना आ रहा है 481.15 मीटर,
ठीक है, तो आ गया मेरे पास एलिवेशन, लिख लेते हैं हम कितना है एलिवेशन 481.15 आ गया एलिवेशन। अब नेक्स्ट क्या निकालूंगा मैं, ग्राफ देखो आप, ग्राफ देखो क्या करते हैं नेक्स्ट हम, अब एलिवेशन की हेल्प से हम आउटफ्लो डिस्चार्ज निकालेंगे। तो देखो एलिवेशन फिर से इसी रेंज में फंसा है, इसके लिए हम आउटफ्लो डिस्चार्ज क्या आएगा 110 और 247.8 के बीच में आएगा, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आउटफ्लो हो जाएगा या डिस्चार्ज बोल सकते हो आप, या आउटफ्लो बोल दो, आउटफ्लो इज इक्वल्स टू जो निकालना होता है वो पहले आता है 110 प्लस क्या करोगे 247.8 माइनस 110 है ना, 247.8 माइनस 110 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा 282 माय डिवाइड ये हो जाएगा 2 है ना, 282 माइनस 480 और मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना है एलिवेशन 81.15 माइनस 480 तो आएगा 1.15 ठीक है। तो चलो अब देखो आउटफ्लो क्या आ रहा है, आउटफ्लो आ रहा है मेरा 110 प्लस 247.8 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.15 तो ये आ रहा है आपके पास 189.235 ठीक है, कितना आ रहा है 189.235 ठीक है, सही आ रहा है 189.235 कितना बताया 235 ठीक है 235 तो यहां लिख दोगे आप 189.235 ठीक है। काफी बड़ा क्वेश्चन है, अभी हमको सारी वैल्यू भरना है ठीक है, सारी वैल्यू भरेंगे अब हम। चलो अब आगे नेक्स्ट क्या करोगे आप, आगे नेक्स्ट अब मुझे मिल चुका है डिस्चार्ज, तो सेम प्रोसेस रिपीट होगा ठीक है, सेम प्रोसेस रिपीट होगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपके पास सेम प्रोसेस रिपीट होगा। तो देखो अब S2 प्लस Q2 डेल्टी कितना है मेरे पास 358 कितना है 358.15 माइनस Q कितना है आउटफ्लो नया वाला 189.235 इज इक्वल्स टू इनटू कर दूंगा 0.25 तो कितना आएगा S माइनस क्यू डेल्टी बाई 2 चेक कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 358.15 माइनस 189.235 इंटू 0.25 तो ये आ रहा है 310.84 ठीक है, देख लेता हूँ 310.84 आ गया हमारे पास, ये मिल चुका है 310.84 ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं 310.84 ठीक है। अब आपको निकालना है S2 प्लस Q2 डेल्टी, तो क्या करोगे दोनों को ऐड कर दोगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 310.84 प्लस 78.75 ये हो जाएगा 389.59 ठीक है, कितना आ रहा है 389.59 ठीक है। चलो ठीक है, सही आ रहा है ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा, अब हमको एलिवेशन निकालना है फिर से है ना, सेम प्रोसेस बार बार आप रिपीट करोगे तो सारी वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी ठीक है, पहले बस टाइम लगता है थोड़ा सा, फिर हमारा प्रोसेस क्या हो जाता है एकदम स्मूथ हो जाता है ठीक है।
चलो अब देखो, अब एलिवेशन निकालोगे तो मेरा जो क्यू प्लस सॉरी एस प्लस क्यू डेल टी बाई टू है वो किस रेंज में आ रहा है? फिर से इसी रेंज में आ गया, सेम रेंज। तो एलिवेशन के लिए पहले जो चीज़ निकालना होता है, तो कौन सी चीज़ निकालनी है? एलिवेशन ही निकालना है, तो एलिवेशन ही लिखोगे 480 प्लस 482 माइनस 480 डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज की रेंज क्या है? 396.61 माइनस 306.11 इंटू निकालना किस रेंज में, कितना आया है? 389.59 माइनस कर दूंगा मैं 306.11। तो देखो एलिवेशन कितना आ रहा है, चेक करेंगे जब हम, तो ये कितना आ रहा है कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 480 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 396.61 माइनस 306.11 इंटू क्या करूंगा मैं, 389.59 माइनस 306.11, तो ये आ जाएगा आपके पास 481.844। ठीक है, कितना आ रहा है? 481.844 लिख देता हूं, 481.84। ठीक है, चलिए अब हम यहां लिख देते हैं 481.84। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्या करोगे? अब मैं निकालूंगा आउटफ्लो, इसी रेंज में आएगा फिर से आउटफ्लो, है ना, क्योंकि हमारा एलिवेशन भी इसी रेंज में आया 480 से 482 के बीच में। तो आउटफ्लो क्या हो जाएगा, देखो आउटफ्लो हो जाएगा, निकालना क्या है, आउटफ्लो निकालना है, तो पहले लिखेंगे यहां 110 प्लस रेंज लिख देंगे उसकी 247.8 माइनस 110 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, जिस रेंज के लिए निकाल रहे हैं हम, 2 लिख दूंगा, 482 माइनस 480, है ना, इनटू क्या होगा हमारा, ये कितना आ रहा है, रेंज कितनी है, 1.84 लिख देता हूं मैं, 1.84 कैसे आया, ये आया 481.84 माइनस 480 करके। ठीक है, चलिए अब देखते कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 110 प्लस 247.8 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 1.84, तो ये आ रहा है 439.176। ठीक है, कितना आ रहा है ये, एक मिनट गड़बड़ हो गया कुछ, देख लेते हैं। ठीक है 110, अच्छा चलिए ये आ रहा है मेरे पास 236.776। ठीक है, मैंने यहाँ माइनस की जगह कैलकुलेटर में प्लस लिख दिया था, तभी इतनी ज़्यादा आ गई थी वैल्यू। ठीक है, ये आ रहा है 236.776। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसको 78 या 77 भी लिख सकते हैं, हम 78 लिख देते हैं। ठीक है, कितना लिख लेंगे हम इसको, 236.78। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं 236.78। ठीक है, आगे की अभी डिस्चार्ज वैल्यू मिल चुका है आउटफ्लो, अब नेक्स्ट कैसे निकालूंगा मैं, नेक्स्ट कैसे निकालूंगा, इसी को यूज करके, ये दोनों को यूज करके हम क्या करेंगे, ये दोनों को यूज करके एस माइनस क्यू डेल टी बाई टू फिर से निकालेंगे। ठीक है, चलो को मिटा देते हैं अपन, ठीक है, यही प्रोसेस आपका बार बार रिपीट होगा तभी हमारा टेबल पूरा बन पाएगा। ठीक है,
तो एग्जाम में अगर आएगा तो आपको बहुत फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि लेंथी प्रॉब्लम है, ठीक है। या तो आपको छोटा टेबल देगा एग्जाम में, या आपको कुछ बीच की वैल्यू भी निकालने बोल सकता है, ठीक है। टेबल आधा भर देगा, आधे वैल्यू आपको खुद निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलो तो अब ये कितना आया था हमारे पास, ये आया 389.59 माइनस क्यू कितना आया, क्यू आया है 236.78 इंटू डेल्टी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं तो आएगा हमारे पास, चलो 389.59 माइनस 236.78 इंटू 0.25, ये आ रहा है 330.395। देख लेते हैं 330.395, तो ये हो जाएगा 330.4, ठीक है। लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 330.4। नेक्स्ट अगर आपको S2 प्लस Q2 डेल्टी निकालना हो तो क्या करते हो आप, दोनों को ऐड कर देते हो, किस किस को, I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2 इंटू डेल्टी प्लस S1 माइनस Q1 डेल्टी बाई 2 को ऐड कर दूंगा। तो दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो देखो कितना आ जाएगा, अब ये रेंज बाहर हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। अब हम नई चीज़ ट्राई करने जाएंगे, चलिए देखते हैं क्या आएगा। 330.4 प्लस 96.25, तो ये आ रहा है आपके पास 426.65। कितना आ रहा है, 426.65, ठीक है। आ गया हमारे पास, अब आप क्या करोगे आगे, फिर हम निकालेंगे आउटफ्लो, क्या एलिवेशन निकालेंगे पहले, ठीक है। एलिवेशन निकालते हैं हम पहले, तो अब देखो अब कौन सी रेंज में आ रहा है, अब कितना आया है हमारे पास, अब आया है 426.65 आ गया है, ठीक है। कितना आ गया, 426.65। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एलिवेशन कैसे निकालूंगा देखना। अब हम कौन सी रेंज लेंगे, अब हमारी रेंज ये नहीं रहेगी, अब हमारी रेंज क्या रहेगी, अब हमारी रेंज क्या रहेगी, 396 से लेके 506 तक, ठीक है। तो एलिवेशन निकालना है तो सबसे पहले जो निकालना होता है उसको ऐड कर लेते हैं, क्या हो रहा है ये 482, है ना। अब स्टार्टिंग रेंज क्या हो गई है, 396, क्योंकि हमारा ये कितनी आ रही है वैल्यू, 426, ठीक है। तो 480 ऊपर आ जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 506.97 माइनस 396.61 इंटू क्या करूंगा मैं, 426.65 माइनस 396.61। चलिए अब इसको निकालते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना आ रहा है आंसर, चेक कर लेते हैं। 482 प्लस 2 मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे 2 ही था ना, मैं 484 माइनस 482 करता तो 2 आता, इसलिए मैंने डायरेक्ट 2 लिख दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय 506.97 माइनस है ये, ठीक है, माइनस है ये, पॉइंट ना लगे किसी को, क्या है, माइनस है, ठीक है, माइनस 396.61 इंटू 426.65 माइनस 396.61, तो ये आ रहा है मेरे पास 482.54, ठीक है। कितना आ रहा है, 482.54, लिख देते हैं यहाँ पे 482.54, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे इसका आउटफ्लो, आउटफ्लो क्या हो जाएगा देखो, अब ये क्या रेंज हो रही है, एलिवेशन की रेंज चेंज हो गई है ना। तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे आउटफ्लो, आउटफ्लो हो जाएगा आपका 247.8 प्लस 490 490.4 माइनस 247.8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड करूंगा मैं इसको
इन दोनों से तो माइनस किया तो आ जाएगा टू, इनटू इनटू कर देते हैं हम, ये कितना आया था आपका, ये आया था आपका 482.54। तो जब मैं इसको 482 से माइनस करूंगा तो बचेगा 0.54, तो मेरा आउटफ्लो क्या हो जाएगा, देखो 247.8 प्लस 490.2 माइनस 247.8 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.54, तो मेरा आउटफ्लो आ रहा है 313.248, तो 25 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 313.25, ठीक है, 313.25, ठीक है, ठीक है। तो देखो आगे हमारे पास आउटफ्लो, अब क्या करोगे आप नेक्स्ट, अब हम इस आउटफ्लो की हेल्प से क्या करेंगे, फिर एस माइनस क्यू डेल टी बाई टू निकाल लेंगे। तो देखो कितना है, ये है मेरे पास 426.65 माइनस 313.25 इंटू 0.25, तो कितना आ रहा है देखो तो ये आएगा हमारे पास, चेक कर लेते हैं, 426.25 माइनस 313.25 इंटू 0.25, तो ये आ रहा है मेरे पास 347.93। तो मैं ले लेता हूँ इसको 348, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं 348, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 348, ठीक है, अब हम यहाँ लिख देते हैं 348, ये हो जाएगा 348, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट निकालेंगे हम एस टू प्लस क्यू टू डेल टी बाई टू, कैसे निकालेंगे, ये दोनों को ऐड करके। तो अब ये दोनों को ऐड किया जब आपने तो कितना हो गया, ये फिर 400 से बहुत ज़्यादा, 400 के ज़्यादा, 450 के आसपास आ जाएगा, है ना, 348 प्लस 97.5, ये हो जाएगा 445.5, कितना हो गया 445.5, ठीक है। चलो अब हम क्या निकालेंगे नेक्स्ट, एलिवेशन हो जाए, है ना, एलिवेशन निकाल लेंगे। तो एलिवेशन कितना आ रहा है, एलिवेशन देखो अब किस रेंज में आएगा इसके लिए, तो वही रेंज रहेगी जो हमारे पहले रेंज थी, ठीक है, क्या थी रेंज देख लेते हैं, हमारा कितना आ रहा है 445 आ रहा है, 445 इसी रेंज में है, तो एलिवेशन भी 482 से 484 तक के बीच में आएगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एलिवेशन कितना आएगा, 482 प्लस अब आपको क्या जो निकालना होता है, तो अब हम लिख देते हैं ऊपर 2, है ना, एलिवेशन निकालना है, 2 लिख देते हैं ऊपर, 2 डिवाइडेड बाय क्या करूँगा मैं, डिवाइडेड बाय जिसकी हेल्प से निकाल रहा हूँ, किसकी हेल्प से निकाल रहा हूँ मैं, एस टू प्लस क्यू टू डेल टी, तो उसकी रेंज क्या है, उसकी रेंज है 506.97 माइनस 396.61 इंटू, इंटू क्या करूँगा मैं, इंटू कर देंगे हम, कितना आया आपके पास 445.5 माइनस, माइनस कर दूंगा मैं, माइनस 396.61, ठीक है, इसको ठीक से लिख लेंगे, 506.97, ठीक है। आप चाहो तो इसको 507 भी ले सकते हो, ठीक है, अब लेकिन हम शुरू से इसको 506 लेके चल रहे हैं, तो हम इसको 506.97 ही लेंगे, ठीक है। चलिए 482 प्लस 2 डिवाइड बाय 506.97 माइनस 396.61 इंटू 445.5 माइनस 396.61, तो ये आएगा आपके पास 282.8865, ठीक है, कितना आ रहा है 282.88, लिख देता हूँ मैं, कितना लिख देता हूँ
482.88 सॉरी 482.88 आ रहा है ना, 482.88। तो अब क्या करेंगे हम ग्राफ में देख के बताओ, एलिवेशन की हेल्प से क्या निकालेंगे, अब आउटफ्लो। ठीक है, तो देखो एलिवेशन फिर से इसी रेंज में है, तो आउटफ्लो क्या हो जाएगा, सॉरी इस रेंज में है, 484 से लेके है ना 482 से लेके 484 के बीच में है, तो डिस्चार्ज भी 247 से लेके 490 के बीच में आना चाहिए। तो पहले लिख देते हैं, जो चीज निकालनी होती है क्या निकालना है, 247.8 प्लस जो चीज निकालनी होती है 490, उसकी रेंज है ना 490.2 माइनस 247.8 डिवाइडेड बाय जिस रेंज की हेल्प से निकालना होता है। तो यहाँ तो मैं 2 लिख देता हूँ, एलिवेशन की हेल्प से निकाल रहे हैं हम, और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में 0.888 है ना, 0.88 आ जाएगा, क्योंकि 482.88 माइनस 482 करोगे आप तो क्या बचेगा, 0.88 है ना। चलो निकाल लेते हैं, 247.8 प्लस 290.2 माइनस 247.8 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये क्या होगा 490, मैंने 290 बोल दिया सॉरी, डिवाइडेड बाय 2 इनटू क्या करेंगे हम, इनटू 0.88। देखो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 354.456। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 354.5 लिख लो, ठीक है 354.5 लिख लेते हैं इसको हम, ठीक है 354.5 यहाँ भी लिख देता हूँ मैं 354.5। ठीक है, चलिए अब आ गया है डिस्चार्ज फिर से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, फिर वही नेक्स्ट हम निकाल लेंगे S1 माइनस Q1 डेल्टी बाई 2। चलो आ जाओ फिर से वही निकाल लेंगे हम। तो यही तीन प्रोसेस आपको बार बार करके पूरा टेबल निकालना होता है, ठीक है ना। जैसा मैंने आपको ग्राफ से बताया था कि पहले हम एलिवेशन और S2 प्लस Q2 बाई 2 डेल्टी के ग्राफ से एलिवेशन निकालते हैं और फिर इस एलिवेशन की हेल्प से आउटफ्लो निकालते हैं, वही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं नेक्स्ट का S1 माइनस Q1 डेल्टी बाई 2। ठीक है, इस फॉर्मूले से निकलेगा वो। तो चलिए देखते हैं पहले वाले का कितना था, इसका था 445.5 माइनस डिस्चार्ज कितना आया इस बार 354.5 इंटू डेल्टी कितना है 0.25 इज इक्वल्स टू क्या आएगी वैल्यू S1 माइनस Q डेल्टी बाई 2 की, तो ये आ जाएगी 445.5 माइनस 354.5 इंटू 0.25, ये आ जाएगी आपके पास 356.875। कितनी आ रही है 356.875, तो मैं ले लेता हूँ इसको 356.9 ले लेते हैं हम, ठीक है इसको ले लेते हैं 356.9 लिख देंगे यहाँ पे 356.9। ठीक है, आगे आप इसको ऐड करोगे किससे, I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा जब मैं इसको ऐड करता हूँ 356.9 प्लस क्या करूँगा 83.75, तो ये आ जाएगा 440.65। कितना आएगा 440.65। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसी के लिए क्या निकालेंगे, एलिवेशन। तो ये भी सेम रेंज में आ रहा है, इसी रेंज में, तो एलिवेशन क्या आ जाएगा देखो 482 प्लस जो निकालना होता है वही ऊपर आता है, तो रेंज क्या है इसकी 484 माइनस 482 2 आएगा, लिख दिया मैंने। नेक्स्ट जिसकी हेल्प से निकाल रहे हैं 0.97
माइनस 396.61, ठीक है, तो ये 440 आया है, तो बीच में है, ठीक है। और इनटू क्या कर दोगे आप, इनटू कर दूंगा मैं 440.65 माइनस 396.61, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो एलिवेशन क्या आ रहा है, चेक कर लेते हैं, एलिवेशन आ रहा है 482 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 506.97 माइनस 396.61 इंटू 440.65 माइनस 396.61, तो ये आ रहा है आपके पास 482.798, ठीक है। कितना आ रहा है, 482.798, ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूँ 482.798 आ रहा है, तो मैं इसको बोल देता हूँ 8, ठीक है। चलो अब आगे देखेंगे हम डिस्चार्ज की वैल्यू क्या आ रही है। आगे डिस्चार्ज की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आउटफ्लो से, ठीक है। तो पहले जो निकालना होता है डिस्चार्ज, अब देखो किसकी रेंज में आएगा, यही रेंज होगी सेम, तो ये हो जाएगा 247.8 प्लस 490.2 माइनस 247.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना आया था, एलिवेशन आया था मेरा 482.8 लिखा था मैंने, तो यहाँ लिख देता हूँ 0.8। तो देखो अब आउटफ्लो क्या आ रहा है, आउटफ्लो आ रहा है मेरा 247.8 प्लस 490.2 माइनस 247.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.8.78 344.78 लिख लेते हैं यहाँ पे 344.78, ठीक है। देखो आप यहाँ से भी देख सकते हो आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, जब एलिवेशन 482.88 था तो ये 354.5 था, तो अब इससे कम आनी चाहिए वैल्यू, आ रही है कम, है ना, क्योंकि अब 382.8 है तो ये कम आनी चाहिए, आ रही है। अगर ज़्यादा आ रही है मतलब आपका आंसर गलत आ रहा है, आपने इंटरपोलेशन में कुछ मिस्टेक करी है, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट का देखते हैं, नेक्स्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से वही चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, है ना। चलिए आप आगे करते जाइए, है ना, प्रोसेस तो एकदम रिपीटेटिव है, इसमें एक बार आपको बन गया तो आप आराम से लगातार स्पीड से कर सकते हो, ठीक है। मैं तो आप लोग के कारण आराम आराम से कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो S2 है हमारे पास, कितना है S2 प्लस Q2 डेल T 440.65, ठीक है, 440.65 है, माइनस डिस्चार्ज कितना आ गया नया 344.78 इंटू डेल टी कितना है 0.25, देखेंगे कितना आ रहा है, ये आएगा 440.65 माइनस 344.78 इंटू 0.25, ये आएगा 354.455, कितना आ रहा है 354.455 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 354.455 है, तो मैं 5 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों को ऐड करके ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये कितना आ रहा है देख लेते हैं, 354.5 प्लस 66.25, ये आ रहा है 420.75, कितना आ रहा है 420.75, ठीक है। अब मैं इसकी हेल्प से क्या निकाल लूंगा, एलिवेशन, तो देखेंगे ये किस रेंज में आ रहा है, 420.75 सेम वही रेंज है, ठीक है। तो निकालना क्या है, एलिवेशन निकालना है, तो 482 प्लस क्या करोगे आप, एलिवेशन ही निकालना है, तो उसकी रेंज 2 है। नेक्स्ट नीचे जिसकी हेल्प से निकालना है उसकी रेंज क्या है, 506.97 माइनस रेंज क्या है 396.61 इंटू क्या करोगे आप, इंटू करेंगे हम 420.75 माइनस 396.61,
तो ये हो गया 420.75 माइनस 396.61। ठीक है, तो एलिवेशन कितना आ रहा है चेक करेंगे इसमें, तो एलिवेशन आ रहा है मेरे पास 482 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 506.97 माइनस 396.61 इंटू 420.75 माइनस 396.61, तो ये आ रहा है मेरे पास 482.4374। ठीक है, लिख लेंगे 482.4374। ठीक है, और ये आ रहा है आपके पास 496। ठीक है, लिखेंगे 482.4375 आ रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 482.44 लिख देता हूँ। ठीक है, 482.44 लिख लेते हैं हम। ठीक है, 482.44। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं आउटफ्लो। ठीक है, आउटफ्लो कैसे निकालोगे आप? आउटफ्लो दिया हुआ है, रेंज दी हुई है, कितनी रेंज है, यहां से यहां तक है ना, इसी रेंज में आएगा, तो ये हो जाएगा 247.8 प्लस निकालना क्या है हमको, यही निकालना आउटफ्लो, डिवाइडेड बाय किससे करूंगा, 2 से, और मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 0.44 से। तो देखेंगे आउटफ्लो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 247.8 प्लस 490.2 माइनस 247.8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.44, तो ये आएगा 301.128। तो मैं लिख देता हूँ इसको 301.128 आ रहा है, तो 13 लिख देते हैं हम। ठीक है, 301.13 लिख देते हैं। ठीक है, चलो इसको राइट से लिखना था ना, इसको अब हम राइट से लिख लेते हैं, तो ये आएगा आपका अराउंड कितना आया है, 301.13। ठीक है, 301.13। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, सेम वही प्रोसेस हम इन पांचों के लिए भी यूज करेंगे। ठीक है, चलो तो कर लेते हैं यूज, पांच बार और करना पड़ेगा हमको बस, फिर एक आपका जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट अब क्या आएगा आपका, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे को क्या निकालना है, पहले एस वन माइनस क्यू वन डेल्टी बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका क्यू टू कितना है, 420.75 माइनस 301.13 इंटू 0.25, तो देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका अराउंड 420.75 इंटू सॉरी माइनस 301.13 इंटू 0.25, ये आएगा 345.4675, तो 47 ले लेते हैं। ठीक है, 345.47 ले लेते हैं, 345.47 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए 345.47। ठीक है, तो जब ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं, 345.47 प्लस 48.13 ये आ जाएगा आपका 393.6। कितना आ रहा है, 393.6। ठीक है, 393.6 .6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए ही एलिवेशन निकालेंगे फिर से। तो एलिवेशन क्या आ जाएगा देखो, एलिवेशन हो जाएगा
एलिवेशन किसके बीच में आ रहा है? अब फिर से रेंज चेंज हो गई है, अब फिर से रेंज चेंज हो गई है। देखो अब आप फिर से रेंज क्या हो गई है, उसी रेंज में आ गए हम, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कितना आया, 393 आया है, तो ये इसके इस रेंज में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये। चलिए तो अब एलिवेशन मैं क्या करूँगा, 480 प्लस जो रेंज हमको निकालनी है वो रेंज लिख देंगे, डिवाइडेड बाय जिसकी हेल्प से निकालनी है, किसकी हेल्प से निकालनी है हमको, ये वाले की हेल्प से निकालनी है, तो मैं लिखूँगा 396.61 माइनस 306.11, ठीक है, इनटू क्या कर लूंगा मैं, इनटू करूंगा मैं, कितना आया मेरा 393.6, है ना, तो इनटू करूंगा मैं 393.6 माइनस 306.11, ठीक है। चलिए अब इसको चेक करते हैं, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 480 प्लस 2 डिवाइड बाय 396.61 माइनस 306.11 इंटू 393.6 माइनस 306.11, तो ये आ जाएगा आपके पास 181.933448, ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूं 181.93, ठीक है, कितना ले रहा हूं मैं 481.93, ठीक है, लिख लेंगे 481.93। अब मैं इसकी हेल्प से क्या निकालूंगा, डिस्चार्ज, तो अब डिस्चार्ज की रेंज फिर चेंज हो चुकी है, कितनी आ जाएगी, ये आ गया था, ये इसको लिख देते हैं पहले हम 481.93, तो डिस्चार्ज कितना आ जाएगा 110 प्लस 247.8 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.93। चलो देख लेते कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास अराउंड 110 प्लस 247.8 माइनस 110 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.93, तो ये आ जाएगा 242.97, तो मैं इसको लिख देता हूँ 243 लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, 243 भी लिख सकते हैं हम, 242.97 भी ले सकते हो आप, ठीक है, चलो 97 ले लेते हैं, 242.97 एग्जैक्ट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब क्या करोगे आप, फिर से वही प्रोसेस है ना, चलिए आ जाइए, तो अब क्या है हमारे पास, हमारे पास S2 माइनस प्लस Q2 डेल्टी कितना है, देखोगे आप तो आ रहा है 393.6 माइनस डिस्चार्ज कितना है 242.97 इक्वल्स टू क्या आ रहा है मेरे पास, और इनटू क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई विथ 0.25, ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 393.6 माइनस 247.97 इंटू 0.25, ये आएगा 331.62 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 331.62 प्लस 30.63, तो ये हो जाएगा 362.25। अब हम निकालेंगे एलिवेशन, तो एलिवेशन का रेंज भी यही है, चेंज नहीं हुआ है, देख लो क्या है, 362 है, तो किसके बीच में आ रहा है, 306 और 296 के बीच में आ रहा है, तो एलिवेशन क्या हो जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा 480 प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं, डिवाइडेड बाय करूंगा 396.61 माइनस 396.61 माइनस
306.11 × क्या कर लूंगा मैं, कितना आया है हमारे पास 362.25 माइनस 306.11, देखो कितना आ रहा है आंसर। तो ये आएगा आंसर मेरे पास 480+2 / 396.61 माइनस 306.11 इंटू करूंगा 362.25 माइनस 306.11, तो ये आ जाएगा मेरे पास 481.24। लिख लेंगे 481.24। चलिए अब हम इसी के रिस्पेक्ट में क्या निकालेंगे, आउटफ्लो अपना। ठीक है, तो आउटफ्लो क्या आ जाएगा, आउटफ्लो होगा 110 प्लस रेंज क्या हो गई 247.8 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 2 × 1.24। चलिए तो डिस्चार्ज कितना आ रहा है देख लेते हैं, 110 प्लस 247.8 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 2 × 1.24, तो ये आ रहा है 195.436। तो इसको ले लेते हैं हम 44, ठीक है 436, तो ये आ रहा है 195.44। चलिए अब तीन बार और निकालना है बस, फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ठीक है, सिंपल है प्रोसेस, बार बार वही करना है तो आपका इंटरपोलेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। एक प्रॉब्लम अगर आपने कर लिया तो आपकी इंटरपोलेशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम खुद से करना। ठीक है, चलो तो आगे अब हम क्या निकालेंगे, इसकी हेल्प से S2 + Q2 ∆T/2 और आउटफ्लो की हेल्प से क्या निकालेंगे, S1 - Q1 ∆T/2। तो ये हो जाएगा आपका 362.25 माइनस 195.44 इंटू 0.25। तो आंसर कितना आ रहा है चेक करते हैं, ये होगा 362.25 माइनस 195.44 टू 0.25, ये आएगा 313.34। कितना आ रहा है 313.34, मैं इसको ले लेता हूँ 314, है ना 313.34 आ रहा है 313.34 प्लस 18.75 कर लोगे आप, अच्छा 39 आ रहा है, सॉरी 39 लिख लो इसको। ठीक है 39, ये भी आ रहा है 39। ठीक है, इसमें ऐड कर दूंगा क्या मैं 18.75, तो ये हो जाएगा 332.14, है ना 332.14। अब हम निकाल लेंगे एलिवेशन। ठीक है, तो देखो ये रेंज क्या हो गई, अब रेंज चेंज हुई है क्या, नहीं हुई है। ठीक है, तो एलिवेशन हो जाएगा 480 प्लस, जिसकी हमको निकालनी होती है, किसकी निकालनी है, रेंज एलिवेशन की, तो 2 लिख दूंगा, है ना 482 - 480, और हमारा 332 आया तो उसी रेंज में है ना, 396.61 माइनस 306.11 इधर आ जाएगा 332.14 माइनस 306.11। तो देखोगे एलिवेशन क्या आ रहा है, एलिवेशन आ रहा है मेरे पास 380+2 / 396.61 माइनस 306.11 इंटू 332.14 माइनस 306.11, तो ये आ रहा है 480.575। ठीक है, कितना आ रहा है 480.58 ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 480.58
480.58। लिख लेंगे यहां 480.58। अब हम निकाल लेंगे डिस्चार्ज एलिवेशन की हेल्प से, तो डिस्चार्ज आ जाएगा, डिस्चार्ज आएगा 110 किसकी रेंज में है, यहां पे है ना इस रेंज में, तो 110 प्लस क्या करोगे आप, 110 प्लस 247.8 माइनस 110 डिवाइडेड बाय एलिवेशन की रेंज क्या है, 2 है ना, देखो एलिवेशन की रेंज क्या है, 2 है ना, 482 माइनस 480 2 है रेंज, और मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे, 0.58 से। तो चलो अब देखते हैं डिस्चार्ज क्या आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है मेरे पास 150 के आसपास आएगा, देख लेते हैं 110 प्लस 247.8 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.58, तो ये आ रहा है 149.962, 150 लिख लो ठीक है, 149.962, तो आप इसको लिख सकते हो 150 भी लिख सकते हो ठीक है 150। चलिए अब बस दो वैल्यू बची हैं, निकाल लेते हैं वो भी सिंपल है ना, तो अब हमारे पास देख लेते हैं S2 प्लस Q2 डेल टी बाय 2 कितना आया था, यहाँ पे आया था हमारे पास ये आया था 332.14 माइनस डिस्चार्ज कितना आया 150 इंटू 0.25, तो S माइनस Q डेल टी बाय 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 332.14 माइनस 150 इंटू 0.25, ये आ जाएगा मेरे पास 294.64 ठीक है, कितना आ रहा है 294.64 ठीक है, 295 ले लो चलो ठीक है, इसको हम ले लेते हैं 295 ठीक है, बड़ा भी एज्यूम कर सकते हो आप 295 सिंपल हो जाएगा आपके लिए, तो 295 प्लस 11.88 तो ये आ जाएगा मेरे पास अराउंड 306.88 ठीक है 306.88। तो एक बार हम देख लेते हैं कि अगर हम राउंड ऑफ नहीं किए होते तो कितना आता ये, तो कितना आ रहा था मैंने बताया था आपको, एक बार फिर से निकाल लेता हूँ, 332.14 माइनस 150 इंटू 0.25, ये आ रहा था 294.64 प्लस 11.88, तो ये रेंज में ही है, सेम रेंज है ठीक है, तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है ठीक है, रेंज हमारी सेम है तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एलिवेशन कितना आएगा, रेंज आपकी वही है, मैंने यहाँ लिख दिया था वैल्यू, नहीं लिखे थे ना हमने, तो ये आ रही थी हमारी 306.88। चलिए तो एलिवेशन देख लेते हैं, एलिवेशन भी एकदम पास में ही आएगा, 480 कुछ आएगा, तो ये कर लेते हैं 480 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 396.61 माइनस 306.11, यहाँ पे लिख देंगे 306.88 माइनस 306.11 ठीक है, तो 0.77 समझ लो, और क्या यहाँ पे पॉइंट है ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, तो ये आ जाएगा 380 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 396.61 माइनस 306.11 इंटू 0.77 ये आ रहा है 480.017 ठीक है 480.017, तो मैं इसको 480 ले लेते हैं ठीक है, इसको हम 480 ही ले लेंगे ठीक है, आसपास ही है तो 480 ही ले लेंगे, और 480 के लिए डिस्चार्ज आपको पता है, 480 के लिए डिस्चार्ज कितना है 110 लिखा हुआ है, 480 के लिए डिस्चार्ज कितना है 110 ठीक है। चलिए अब लास्ट वैल्यू निकालना है, लास्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अब हम निकाल लेंगे आखिरी वैल्यू और फिर हमारा टेबल हो जाएगा पूरा। आखिरी वैल्यू क्या आएगी, ये आ रहा है 306.88
माइनस 110 इंटू 0.25, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 306.88 माइनस 110 इंटू 0.25, ये आ रहा है मेरे पास 280 के आसपास, ठीक है। 280 ले लेता हूँ मैं इसको, ये आ रहा है मेरे पास 280, और 280 प्लस 6.88 तो ये आ जाएगा 286.88। वैसे कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं थी इसके लिए, है ना, ये क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट सम था तो ये कैलकुलेटर से भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये हम माइंड से भी कर सकते हैं लेकिन, ठीक है। चलिए एलिवेशन देखते हैं। अब रेंज क्या हो चुकी है, अब रेंज थोड़ी चेंज हो गई है, अब रेंज क्या हो गई है, चेंज हो गई है, अब ये इसके बीच में आ गया डिस्चार्ज, ठीक है। तो चलिए अब क्या हो जाएगा, ये एलिवेशन, एलिवेशन हो जाएगा 478 प्लस, 478 प्लस कहाँ से कहाँ वेरी हो रही है, दो है रेंज तो दो रहेगी ऊपर एलिवेशन की, डिवाइडेड बाय 278.61 माइनस 212.82 इंटू 286.66 माइनस 212.82। चलो इसको निकालेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी रेंज हमारी चेंज नहीं हुई है क्या, रेंज हमारी चेंज हो गई है, यहाँ पे आएगा आपका, मैंने गलत लिख दिया है ना, यहाँ पे आएगा आपका 278 कहाँ से उठा लिया मैंने, चलिए ये आएगा, है ना, हमने गलत उठा लिया, हमने वो वाली वैल्यू उठा ली यहाँ वाली, है ना। तो ये वाली वैल्यू आएगी 237 और 206, ठीक है, गलत उठा लिया हमने, चेक कर लेते हैं फिर से। तो ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 306.11 माइनस 237.42, ठीक है। इतना बड़े प्रॉब्लम में आप आखिरी आते तक लेजी हो ही जाते हो, है ना, और गलतियां कर देते हो, इसलिए ध्यान देना हमेशा। तो ये हो जाएगा 286.88 माइनस 237.42, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा 478 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 306.11 माइनस 237.42 इंटू 286.88 माइनस 237.42, तो ये आएगा आपके पास 248.48, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, कहीं गड़बड़ हो रही है, अच्छा 286.88 माइनस 237. तो ये आ रहा है 479.44, अब सही आया 479.44, ठीक। अब हम इसके लिए आउटफ्लो निकाल लेंगे लास्ट, ठीक है। तो आउटफ्लो क्या आ जाएगा, इसकी रेंज क्या हो गई है, अब चेंज हो गई है ना, किसके बीच में आ गया, ये इन दोनों के बीच में आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एलिवेशन कितना आया था 479.44, तो आउटफ्लो क्या आ जाएगा, आउटफ्लो आ जाएगा आपका 98.4 प्लस 98.4 प्लस हमारा डिस्चार्ज कितना है 110 माइनस 98.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.44, ठीक है, 479.44 को 478 से करूंगा तो 1.44 हो जाएगा। चलो अब देख लेते हैं, 98.4 प्लस 110 माइनस 98.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.44, तो ये आ रहा है 106.752, है ना, 106.752, तो 75 लिख लेते हैं, ठीक है, तो 106.75,
ठीक है, लिख लेते हैं 106.75, आ गया हमारा 106.75, ठीक है आंसर। ठीक है, तो सारा टेबल बन चुका है, ऐसे आप आउटफ्लो निकाल सकते हो, सिंपल है ना, थोड़ा लेंदी मेथड है, लेकिन आपको प्रॉब्लम अगर आता है एग्जाम में तो अब आप बना सकते हो, सिंपल है, रिपीटेटिव वर्क है, बार बार आपको सिर्फ यही तीन चीजें निकालनी है। शुरू में बस थोड़ी मेहनत है, शुरू में हमने क्या किया था, आउटफ्लो गिवन था, है ना, तो इसी आउटफ्लो की हेल्प से टेबल से हमने एलिवेशन निकाला था, तो एलिवेशन आ गया था, फिर एलिवेशन की हेल्प से आपने क्या किया था, हमने हमारा ये निकाला था S1 माइनस Q1 डेल्टी बाई 2, है ना, यहाँ से इस टेबल की हेल्प से यहाँ रेंज ढूंढ के, उसके बाद जैसे ही हमको S1 माइनस Q1 डेल्टी मिला, हमने ऐड किया उसको I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2 डेल्टी से, और हमको मिल गया S2 प्लस Q2 डेल्टी बाई 2, उसके बाद हमने एलिवेशन निकाला और आउटफ्लो निकाला ऐसे, ठीक है। फिर हर बार आपको S1 माइनस Q1 डेल्टी कैसे मिलेगा, इस फॉर्मूले से ST प्लस Q2 डेल्टी बाई 2 माइनस Q डेल्टी, ठीक है।